एक तरफ हमने देखा किस तरह से जो है रशियन आर्मी के इनिशियल डिफीट की वजह से और इस प्रोसेस में रशिया का जो लॉस हुआ था, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसकी वजह से जो है पब्लिक के ऊपर काफ़ी डिमोरलाइजिंग असर पड़ा था और जार के लिए जो सपोर्ट था या जार के जो क्रेडिबिलिटी थी और उस गवर्नमेंट की, वो क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी जो है खराब हुई, ख़त्म हुई उस समय में। इसके अलावा जो है रशिया का जो है इंडस्ट्री था वो भी जो है इस वॉर की वजह से काफ़ी एडवर्सली अफेक्टेड हुआ। पहली बात कि रशिया में लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल थी इस समय में और जर्मनी ने जो बाल्टिक सी पर कंट्रोल कर लिया इस समय में, ऐसा उसने बाल्टिक सी पर कंट्रोल की वजह से क्या हो गया कि जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स का जो सप्लाई आता था रशिया में वो रुक गया। अब जब इंडस्ट्रियल गुड्स का सप्लाई रुक गया तो इधर रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे उनका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, उनका टूट फूट वगैरह जो है वो होना शुरू हो गया और चूंकि रिपेयर की व्यवस्था नहीं थी तो इंडस्ट्रीज जो है वो ठप होने लगे। रेलवे जो थे वो भी, उनका भी ब्रेकडाउन जो है वो 1916 में जो है शुरू हो चुका था। रेलवे लाइंस भी जो है वो जगह जगह से टूटने लगे थे। जितने भी पुरुष थे, सक्षम पुरुष थे, उन सबको तो वॉर लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो इसकी वजह से जो है लेबर की शॉर्टेज हो गई, जो छोटी छोटी वर्कशॉप वगैरह थे उनमें काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे। ओके, जो भी ग्रेन प्रोडक्शन होता था तो ग्रेन प्रोडक्शन का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो तो फ्रंटियर पर जो है आर्मी के लिए भेज दिया जाता था। इसकी वजह से जो है शहरों के अंदर जो है अनाज की कमी हो गई थी, ब्रेड की, फ्लोर की, इन सब की जो है कमी हो गई थी और 1916 आते आते जो है ब्रेड शॉप्स वगैरह पर लूट वगैरह, राइट वगैरह जो है ये सब बिल्कुल कॉमन फेनोमेना हो चुका था। और ये सब जो था एक जनरल कह सकते हो कि सिनेरियो था जो कि रिवॉल्यूशन के लिए एक बिल्कुल ही जो है कन्वीनियंट कह सकते हो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। विंटर 1917, फरवरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्राड की बात करते हैं, 1917 के विंटर आते आते जो है पेट्रोग्राड जो कि राजधानी थी वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे। अब जो वहाँ का जो लेआउट था सिटी का वो खुद ही वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन को जो है हाईलाइट करता था। बेसिकली वहाँ पर जो है रिवर नेवा था, रिवर नेवा के एक तरफ जो है आपका राइट हैंड साइड पर जो है वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज वगैरह थे। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट वाला जिसका किनारा था उसमें जो है फैशनेबल एरियाज़ थे, विंटर पैलेस था वहाँ पर, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इसके अलावा जो है वो भी पैलेस था जहाँ पर कि डूमा की मीटिंग होती थी। तो फरवरी 1917 में जो है जब फूड शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गया, वर्कर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस फूड शॉर्टेज से सफ़र करने लगे, विंटर काफ़ी गर्म था उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रॉस्ट और स्नोइंग हुई थी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कमज़ोर रहा होगा और उसकी वजह से जो है फूड शॉर्टेज काफ़ी एक्यूट हो गया था। ऐसे में पार्लियामेंट्स जो थे, पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो चाहते थे कि कम से कम जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पावर में रहे। दूसरी तरफ जार जो था वो इस कोशिश में लगा था कि डूमा को डिजॉल्व कर दिया जाए ताकि मैं अपनी मर्जी से जो है सरकार चला सकूं, अपनी मर्जी से जो है मैं देश को चला सकूं। ऐसे में क्या होता है कि 22 फरवरी को जो है एक लॉकआउट होता है राइट बैंक पर, फैक्ट्री में जो है लॉकआउट होता है। अगले दिन जो है 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं वो उस लॉकआउट के सपोर्ट में जो है स्ट्राइक कर देते हैं। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर कि स्ट्राइक जो है वो वीमेन के द्वारा लीड किया जा रहा है। ओके, इसी दिन को जो है 22 फरवरी को जो है इसलिए जो है इंटरनेशनल वीमेन्स डे भी कहा जाता है, मनाया जाता है। ये वर्कर्स जो प्रदर्शन करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिंग जो वर्कर्स थे वो जो है अपने क्वार्टर्स से निकलते हुए जो है कैपिटल के सेंटर में आ जाते हैं नेव्स्की प्रोस्पेक्ट की। और इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्टिवली इंगेज नहीं है इस मूवमेंट में। ओके, और जब फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो वर्कर्स के द्वारा जब घेर लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू लगा देती है। फिर शाम होते होते जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं वो वहाँ से लौट के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो 24 तारीख को आते हैं, 24 को आते हैं, फिर वो 25 फरवरी को आते हैं। ओके, गवर्नमेंट जो है वो कैवलरी मतलब हो गया घुड़सवार जो फोर्स होती है उसको और पुलिस को जो है वहाँ पर मेंटेन करके रखती है इनके ऊपर नज़र रखने के लिए। 25th ऑफ फरवरी को गवर्नमेंट जो है वो डूमा को सस्पेंड कर देती है, मतलब कि जार जो है वो डूमा को सस्पेंड कर देता है। अब जैसे ही डूमा सस्पेंड हो गई तो डूमा के अंदर जो पॉलिटिशियंस रहे होंगे उनको भी गुस्सा आएगा, उन्होंने जो है फिर अब इस पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि जो ये वर्कर्स बार बार मान लो कि कैपिटल तक पहुँच रहे थे, सेंटर ऑफ कैपिटल तक पहुँच रहे थे वो, लेकिन उनके पास जो है
पावरफुल लीडरशिप का अभाव था। लेकिन जब डूमा एक बार डिसॉल्व हो गया और पॉलिटिशियंस जो थे वो जब ओपनली जो है इस डिसीजन के खिलाफ या जार के खिलाफ बोलने लगे, तो अब इन वर्कर्स के लिए भी जो है एक लीडरशिप टाइप लीडरशिप जो है वो तैयार हो चुका था। 27th को जो है उन्होंने क्या किया, पुलिस हेडक्वार्टर को जो है बिल्कुल तबाह कर दिया। दे रैनसैक्ड द पुलिस क्वार्टर। रैनसैक का मतलब होता है बिल्कुल तोड़फोड़ के बराबर कर देना। उसके बाद जो है सड़कों पर जो है ढेरों लोग जो है एकदम से भरे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं वो रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, बेहतर वर्किंग आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, भाई लोकतंत्र जिंदाबाद। ओके, गवर्नमेंट जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कैवलरी को भी बुलाती है, लेकिन कैवलरी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर करने से मना कर देती है। ओके, ऐसे में जो है दूसरी तरफ बैरक में, आर्मी बैरक में जो है एक ऑफिसर जो होता है उसको गोली मार दी जाती है। तीन और बैरक्स में जो है रेजिमेंट जो है उसमें म्यूटिनी हो जाती है। सब जो है बेसिकली जो है अब इन वर्कर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। वजह यह है कि देखो चाहे पुलिस हो या आर्मी हो, इन सभी में जो ज़्यादातर जो हैं जब लोग वो कहाँ से आते हैं, वो किसी जो है एरिस्टोक्रेट्स के बच्चे नहीं हैं, वो जो है मोनार्क के बच्चे नहीं हैं। मोनार्क या एरिस्टोक्रेट्स के बच्चे जो होंगे वो ऑफिशियल पोजिशंस में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन जो पावर है वो किसके पास है, ये बच्चे जो है वो वर्किंग क्लास से ही जाते हैं, पेजेंट्री से ही जाते हैं। अभी कभी समय देख लो तो यही सिनेरियो होता है। तो जब मान लो कि कैवलरी को इनके ऊपर फायर करने के लिए कहा गया तो कैवलरी ने मना कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स दे सॉ देमसेल्व्स लाइक दोज पीपल। वो भी अपने आप को उन्हीं मजदूरों की तरह जो है, उन्हीं वर्कर्स की तरह वो भी अपने आप को फील कर रहे थे। जो रेजिमेंट्स जो थे बैरक्स वगैरह में, उनके बीच में भी यही फीलिंग थी कि लाइक वी आर सिमिलर टू दोज गाइज हु आर प्रोटेस्टिंग एंड यू नो लाइक स्ट्राइकिंग अक्रॉस द सिटी रादर देन दीज ऑफिसर्स एंड स्टफ। शाम होते होते सोल्जर्स जो थे और वर्कर्स जो थे सब एक साथ इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है सोवियत या काउंसिल जो है उसकी स्थापना कर दी उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में डूमा की जो है मीटिंग चला करती थी, और इसको कहा ये जो है बन गया तुम्हारा पेट्रोग्राड सोवियत। अगले दिन जो है एक डेलीगेशन जार के पास जाता है। मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं जार के, वो उसको सलाह देते हैं कि भैया तुम जो है निकल जाओ, एबडिकेट कर लो। एबडिकेट का मतलब होता है अपना जो है अपने आप को जो है अपना कंट्रोल जो है उसको छोड़ देना। ठीक है भैया, अब हम जो है जार के पद से जो है संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास ले लेता है वो बेचारा। उसके बाद जो उनकी वो जो है 2nd of March को जो है ये एबडिकेशन होता है। सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स जो होते हैं वो जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं कंट्री को रन करने के लिए। अब आगे जो रशिया का फ्यूचर होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिसाइड होगा। ओके, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर जो है इलेक्टेड होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब आप सबको पता है, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, एक सर्टेन एज के ऊपर जो भी होगा वो वोट कर सकता है। और इस तरीके से जो है पेट्रोग्राड में जो है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है, जो कि बेसिकली मोनार्की को जो है ख़त्म कर देता है। नाउ इफ़ यू लुक एट बॉक्स 1 अगेन, यू नो दिस इज़ लाइक अ रेफरेंस टू यू नो लाइक वीमेंस रोल इन दिस होल थिंग। So you can read at it and it will show you, you know, like how women played an instrumental role in the February Revolution. Women workers often inspired their male co-workers. At the Lorange telephone factory, Marfa Vasileva almost single-handedly called a successful strike. Already that morning in celebration of Women's Day, women workers had presented red bows to the men. And Marfa Vasileva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike. The workers on the floor were ready to support her. The foreman informed the management and sent her a loaf of bread. She took the bread but refused to go back to work. The administrator asked her again why she refused to work, and she replied, "I cannot be the only one who is satiated when others are hungry." Women workers from other sections of the factory gathered around Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. Soon the men donned their tools as well, and the entire crowd rushed onto the street. So, ये जो है basically आपको ये बताता है किस तरीके से जो है February Revolution में lead करने का role जो था वो महिलाओं का था, okay? अब रिवॉल्यूशन फरवरी के बाद क्या होता है? तो भाई फरवरी के बाद मान लीजिए कि एक जो है आप कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है जो कि इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो है चलाई जाएगी। अब इसमें क्या हो गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी, इलेक्शन तो मान लो कि बाद में होगा, उसको कनेक्ट करवाने में टाइम लगेगा। इन द मेन टाइम जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी इसमें जो है जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका जो है
ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल था वहाँ पर, ओके लेकिन जो लिबरल्स और बाकी सोशलिस्ट वगैरह थे उनके बीच में, वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए जो है प्रयास कर रहे थे, ओके पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया था। इस तरह जो है पेट्रोग्राड सोवियत की तरह ही जगह जगह जो है सोवियत स्थापित किया गया था, लेकिन कोई भी जो है इलेक्शन का कॉमन सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं हुआ था इस समय तक। अप्रैल 1917 को जो है बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन जो है वो रशिया आता है अपने एग्जाइल से। एक्चुअली जार के समय में ही लेनिन को जो है एग्जाइल पे भेज दिया जाता है रशिया से बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। तो वो जो है अप्रैल 1917 को रशिया वापस आता है। अब लेनिन और जो उसके बोल्शेविक सपोर्टर्स थे वो शुरू से ही 1914 से ही वो जो है वॉर का विरोध कर रहे थे। और अब लेनिन को लगता है कि वो समय आ गया है कि सोवियत्स जो हैं वो जो है रशिया के पावर पर कंट्रोल करें। लेनिन जो है वो डिक्लेयर करता है कि युद्ध जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके अलावा ज़मीन जो है वो जो है किसानों में जो है बांट दी जाएगी, जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह की जो ज़मीनें हैं वो जो है किसानों के बीच में बांट दी जाएगी और बैंक जितने भी हैं उनको जो है नेशनलाइज कर दिया जाएगा। यही तीन डिमांड, एंडिंग द वॉर फर्स्ट, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द पेजेंट्स एंड थर्ड नेशनलाइजिंग द बैंक्स, ये तीनों डिमांड कलेक्टिवली जो है वो लेनिन का अप्रैल थीसिस कहलाता है। उसने ये भी आर्ग्यू किया कि बोल्शेविक पार्टी जो है वो अपना नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी रख ले, ये इंडिकेट करने के लिए कि इसका नया रेडिकल एम क्या सब है। बाकी जो भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी में वो शुरुआती दौर में थोड़े सरप्राइज थे अप्रैल थीसिस से। उनको लगता था कि इस तरीके के सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए जो है अभी शायद जो है सही समय नहीं है। उनको ये लगता था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसको कुछ समय तक सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगले कुछ महीनों में जो बदलाव हुआ उसने उनका एटीट्यूड बदल दिया। अब थ्रू आउट द समर बेसिकली जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो फैलता ही जा रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया में जो है फैक्ट्री कमिटीज़ फॉर्म की जा रही थी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से अपनी फैक्ट्रीज को रन कर रहे थे उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड यूनियंस की संख्या बढ़ने लगी थी, जो सोल्जर कमेटी आर्मी में सोल्जर कमेटी बनना शुरू हो गया था। जून में जो है 500 सोवियत जो थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है भेजा था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में, ओके अब जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि इसका पावर जो है वो घट रहा है और बोल्शेविक्स जो है उनका पावर बढ़ रहा है, तो उन्होंने जो है कुछ कठोर कदम उठाने का जो है ये बढ़ते हुए कह सकते हो कि असंतोष के खिलाफ उन्होंने जो है कुछ कठोर कदम उठाने का फैसला लिया। ओके कैसे शुरू हुआ ये? तो इन्होंने जो है फटाफट जो है वर्कर्स जो फैक्ट्रीज को रन करना चाहते थे इसको जो है उन्होंने रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा जो लीडर वगैरह थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया कर दिया और जब इन्होंने अपना रिप्रेसिव स्टेप लेना शुरू किया तो फिर बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने भी जो है अपना फिर कह सकते हो कि जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस थे बोल्शेविक्स के द्वारा उसको जो है दबाने की कोशिश की गई और बहुत सारे बोल्शेविक्स जो है उनको या तो भागना पड़ा वरना उनको छुप जाना पड़ा। लेकिन ये जो रिप्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि ये भी दिखाएगा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये प्रो कैपिटलिस्ट है, राइट, ये प्रो वर्कर नहीं है। और इस तरीके से जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है इन सब स्टेप्स की वजह से जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगी। दूसरी तरफ जो देहात का एरिया है वहाँ पर जो पेजेंट्स हैं और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं उन्होंने जो है लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड की। लैंड कमेटी जो है वो फॉर्म किया गया। अब इसकी वजह से अब इन सब चेंज जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई गई इस सब से इनकरेज होके इन सब के बीच में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने जो है किसानों को थोड़ा सा बढ़ाया कि ज़मीन पर कब्जा ही कर लो तुम लोग। और फिर जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में जो है ज़मीनों पर किसानों ने कब्जा करना जो है शुरू कर दिया। फिर आते हैं अब अक्टूबर की क्रांति की तरफ, अक्टूबर 1917। अब जब प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में जो है जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा था, ऐसे में जो है लेनिन को ये डर था कि कहीं ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर दे। इसलिए जो है सितंबर में वो जो है सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की बात करने लगा। ओके बोल्शेविक सपोर्टर्स जो आर्मी में थे, सोवियत्स में थे, वर्क फैक्ट्रीज में थे, उन सभी को इकट्ठा किया गया। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1917 लेनिन जो है पेट्रोग्राड सोवियत को जो है को जो है एग्री करवाता है और बोल्शेविक पार्टी को कि सोशलिस्ट के द्वारा जो है सत्ता पे कब्जा करना जो है वो जरूरी है। ओके अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर।
अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत। एक जो है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है लियोन ट्रॉटस्की के अंदर में, जो कि इस सीजर को, इस पावर पर कब्जा करने के इस प्रोसेस ऑपरेशन को जो है प्लान करेगा, और जो डेट ऑफ इवेंट है उसको सीक्रेट रखा गया है एकदम से। ओके, अपराइजिंग जो है वो 24th ऑफ अक्टूबर को शुरू होता है। जैसे ही ट्रबल का एहसास होता है तो उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर होता है केरेंस्की, वो जो है सिटी से निकल जाता है। ओके, और वो जो है सेना को बुलाता है। सुबह होते होते जो सेना प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रति लॉयल है, वो जो है दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लेती है। ओके, इसके अलावा जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं वो जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर भी कब्जा करते हैं। इसके अलावा जो है विंटर पैलेस को भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके रिस्पांस में जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो फॉर्म की गई थी ट्रॉटस्की के अंदर में, वो जो है अपने सपोर्टर्स को जो है ऑर्डर देती है कि फटाफट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं इनको जो है इन पे कब्जा कर लो, और जो मिनिस्टर्स हैं इनको अरेस्ट कर लो। ओके, इसके अलावा जो है उसी दिन जो है बाद में आके अरोरा नाम का एक शिप जो होता है वो विंटर पैलेस के ऊपर जो है गोले दागना शुरू कर देता है। दैट वुड बी यू नो लाइक अनदर स्ट्रेटजी, विंटर पैलेस को ही खत्म कर दो, जो कि पावर का सेंटर है। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। बाकी जो वेसल्स हैं मतलब शिप वगैरह जो हैं वो उसी रिवर नेवा से होते हुए जो है आगे जाते हैं, और जो डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं। रात होते होते जो है पूरा का पूरा शहर जो है वो आ जाता है इन रिवॉल्यूशनरी जो ये पार्टी है बेसिकली उसके अंदर में आ जाता है, कमेटी के अंदर में पूरा आ जाता है, और जितने भी मिनिस्टर हैं सब सरेंडर कर चुके होते हैं इस समय में। और फिर जो है ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत्स की जो है मीटिंग होती है पेट्रोग्राड में, और मेजॉरिटी जो है वो अप्रूव करते हैं कि नहीं, बोल्शेविक्स ने जो किया सब अच्छा किया। फिर इसी तरीके से जो है बाकी शहरों में भी जो है अपराइजिंग शुरू होता है, काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई भी होती है, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा मास्को में बेसिकली। लेकिन दिसंबर आते आते जो है बोल्शेविक्स जो है वो मास्को पेट्रोग्राड का जो एरिया है इस पर कब्जा कर लेते हैं। अब भाई देखो ऐसा है कि ये तो बस हो गया मास्को और पेट्रोग्राड तक का एरिया पे कब्जा करना, लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो थे शामिल लोग, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हों या लैंडलॉर्ड्स हों या फिर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो भी तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। फिर मोनार्क के भी बहुत सारे सपोर्टर्स रहे होंगे इस पॉइंट तक में, वो भी ऐसे हार नहीं मानने वाले हैं, राइट। अब जब तो और खासकर बोल्शेविक्स जो उसके बाद करते हैं स्टेप्स लेते हैं, उसकी वजह से भी जो है उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक बार जो है सरफेस करेगा। बोल्शेविक्स जब पावर में आते हैं अक्टूबर 1917 के बाद, तो वो सबसे पहले जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विरोध में होते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रीज और बैंक्स हैं उन सभी को जो है नवंबर 1917 तक में जो है नेशनलाइज कर दिया जाता है, मतलब कि इनका ओनरशिप मैनेजमेंट सब जो है गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है। लैंड को जो है सोशल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, और पेजेंट्स को जो है ये परमिशन दे दी जाती है कि आप जो है नोबिलिटी की ज़मीन पे कब्जा जो है वो कर सकते हैं। शहरों में बोल्शेविक जो थे उन्होंने जो है बड़े बड़े घरों के जो है पार्टीशन की परमिशन दे दी थी, जबरदस्ती पार्टीशन करवा देते। कोई अगर मान लीजिए कोई दो चार आदमी है और बहुत बड़ा घर है, एक काम करो इस घर को जो है चार हिस्से में बांट दो, चार लोगों को जो है एक हिस्सा दे दो, बाकी तीन हिस्से में तीन अलग अलग फैमिली सेटल हो जाएंगी, इस तरीके से जो है कर दिया गया। इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी के जो पुराने टाइटल्स थे, पुराने मालिकाना हक वगैरह थे, उन सभी को जो है ख़त्म कर दिया गया। जो एड्रेस का तरीका था उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके अलावा जो है आर्मी के लिए जो है ऑफिसर्स वगैरह के लिए नया ड्रेस डिज़ाइन करवाया गया, ताकि एक नई पहचान दी जा सके। जारिश रसिया से अलग जो है इनकी एक सोशलिस्ट या कह सकते हो कम्युनिस्ट जो है एक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। बोल्शेविक पार्टी जो है उसने खुद को जो है नया नाम भी दे दिया, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और नवंबर 17 में बोल्शेविक्स ने जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसमें उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाया। देखो इतना सारा चेंज किया इन्होंने, तब तक तो ये मान लो कि बाय फोर्स पावर में थे, लेकिन फिर उनको लगा कि ठीक है गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज किया जाए, गवर्नमेंट को जो है पब्लिक का भी अप्रूवल जो है वो दिखाया जाए, तो इसलिए उन्होंने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होल्ड किया। लेकिन इलेक्शन में इनको जो है मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाई। फिर 1918 में जो असेंबली जो थी उसने बोल्शेविक्स के जो सुधार वगैरह थे उनको जो है डिसअप्रूव कर दिया कि भाई आपने जो चेंजेस किए हैं ये चलने वाले नहीं हैं, ये गलत हैं। लेनिन क्या करता है, वो असेंबली को ही भगा देता है, किसी काम का नहीं है तुम लोग। तो एक तरीके से देखो जार वाला काम ही किया ना, मेरे मन का करो तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो बाहर में जाओ। ओके,
Anyways, he thought the all Russian Congress of Soviets were more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. वो सोचता है कि जो Russian Congress of Soviets है वो ज़्यादा democratic है compared to असेंबली जो कि अनसर्टेन कंडीशंस में जो है चुनी गई है. मार्च 1918 में जो है अपने पॉलिटिकल एलाइज के विरोध के बावजूद बोल्शेविक्स जो होते हैं वो जर्मनी के साथ जो है संधि कर लेते हैं. ओके, उनके साथ जो है शांति वार्ता जो है वो कर लेते हैं ब्रेस्ट लिटोस्क में. अगले साल सब में जो है बोल्शेविक्स जो होते हैं वो एकमात्र पार्टी होते हैं जो कि इलेक्शंस में जो है ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस ऑफ सोवियत्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में जाके वही जो है रशिया की पार्लियामेंट बन जाती है. ओके, रशिया में जो है वन पार्टी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. ट्रेड यूनियन वगैरह जो है उसको पार्टी कंट्रोल के अंदर ले लाया जाता है. इसके अलावा जो है सीक्रेट पुलिस की स्थापना की जाती है. सीक्रेट पुलिस जैसे कि चेक OGPU या बाद में NKVD, और इनका काम ये होता है कि जो कोई भी सोवियत गवर्नमेंट की बोल्शेविक्स की आलोचना करेगा उसको पकड़ पकड़ के जो है पनिशमेंट देना. इस तरीके से ये जो है एक कह सकते हो कि इन्होंने जो है बोल्शेविक्स जो है वो फ्रांस के पावर पर जो है कंप्लीट कंट्रोल कर लेते हैं. और जो वो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की जा रही थी वो डेमोक्रेटिक राइट्स कहीं जो है वो उड़ जाता है. हाँ, सोशलिस्ट प्रोमिसेस, सर्टेन सोशलिस्ट प्रोमिसेस को ये पूरा करते हैं, लाइक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू नो लाइक गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, इन सब को ये फुलफिल करते हैं. लेकिन इसके अलावा जो बाकी एक्सपेक्टेशंस हैं या बाकी एस्पेक्ट्स हैं डेमोक्रेसी की, लाइक यू नो फ्रीडम टू इलेक्ट एंड ऑफ कोर्स हैविंग ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें जो है वो खिड़की के बाहर चली जाती हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है. अक्टूबर 1917 बहुत सारे जो राइटर्स वगैरह हैं वो जो है पार्टी के सपोर्ट में खड़े होते हैं. वो इस तरह की राइटिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि जो कि सोशलिज्म के सपोर्ट में होता है, इसको ग्लोरीफाई वगैरह करता है. 1917 तक में जो है आर्ट्स और आर्किटेक्चर वगैरह में भी जो है नया नया जो है एक्सपेरिमेंट शुरू होता है बेस्ड ऑन दिस होल यू नो लाइक सोशलिस्ट यूफोरिया. लेकिन धीरे धीरे जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस बोल्शेविक रिजीम से डिसइल्यूजन्ड भी हो जाते हैं, खास करके जो इसका एक रिप्रेसिव और सेंसरशिप बेस्ड सिस्टम है. ओके, इन बॉक्स 3 एक्चुअली यू नो लाइक यू कैन लुक एट 2 व्यूज विच आर प्रेजेंटेड. एक्चुअली न्यूज ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 रीच द विलेज द फॉलोइंग डे and the was greeted with enthusiasm. To the peasants it meant free land and an end to the war. The day the news arrived, the landowner's manor house was looted, his stock farms were requisitioned, and his vast orchards was cut down and sold to the peasants for wood. All his far buildings were torn down and that way it goes. तो किस तरीके से जो है भाई रशिया में अक्टूबर 25, 1917 के जो लेनिन ने जो अपराइजिंग लीड किया था उसके परिणाम स्वरूप किस तरह से जो है किसानों के बीच में एक यूफोरिया का सेंस आया और किस तरह से उन्होंने जो है जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे उनके जो है उनको जो है लूट लिया, ये सब कर लिया. दूसरी तरफ जो लैंड ऑनिक फैमिलीज जो हैं ओके वो जो है अपने प्रिकैरियस स्टेट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो है उनका लाइफ जो है वो खतरे में है. लोग जो हैं ओके लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है अपने जानमाल की रक्षा के लिए या जानमाल की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं. ये सब जो है आपको सेकेंड में बताया गया है. लेकिन अब एक बार जब मान लो कि ये बोल्शेविक्स जो है ये सारे चेंजेस करते हैं और रशिया के पावर पर जो है कंप्लीट कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद जो है रशियन आर्मी जो है इसके बाद जो है फिर एक सिविल वॉर का दौर शुरू होता है. एक्चुअली होता क्या है कि बोल्शेविक जब ऑर्डर करते हैं कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रशियन आर्मी जो है वो टूटने लगती है क्योंकि बहुत सारे सिपाही जो हैं ज़्यादातर जो किसान वगैरह होते हैं वो जो है अब जल्दी जल्दी गाँव भागना चाहते हैं ताकि जो है ज़मीन जब बंटवारा होगा तो उनको भी जो है ज़मीन मिल सके वहाँ पर. ओके, नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे और लिबरल्स थे जो कि ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, मतलब जो नॉन बोल्शेविक हो गए मेंशेविक वगैरह सब बेसिकली सोशलिस्ट, इसके अलावा लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे वो बोल्शेविक अपराइजिंग को जो है कंडेम करते थे. वो जो है इसका कह सकते हो कि
इसकी भर्त्सना करते थे वो, ओके। उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया में मूव कर चुके थे और वहाँ पर उन्होंने जो है ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था बोल्शेविक्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बोल्शेविक के लिए जो है रेड का यूज किया गया था। अब उसके बाद जो है 1918 से लेकर 1919 तक ग्रीन्स जो कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी हो गए, ओके, वाइट्स जो प्रोजारिस्ट हो गए, इन्होंने जो है रशियन एम्पायर के ज़्यादा हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया। इधर मान लो कि बोल्शेविक्स जो है रेड, इनका जो है रशिया के अंदर मेन कब्जा है, लेकिन सदर्न रशिया और उधर रशियन एम्पायर्स वगैरह में जो है ये ग्रीन और वाइट का कब्जा जो है वो हो जाता है। उनको सपोर्ट करने में फ्रेंच थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे और जापानीज ट्रूप्स थे, क्योंकि इन सभी को ये डर लग रहा था कि रशिया में जो ये सोशलिज्म की जो है ये आंधी जो उठी है ये अगर उनके यहाँ भी आ गई तो उनकी व्यवस्था को भी जो है ये तबाह कर देगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि इस बोल्शेविक अपराइजिंग और उसके बाद जो रशिया में चेंजेस हुए हैं इनको जितनी जल्दी हो सके इनको दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इंटरेस्टिंगली फ्रांस के साथ भी एक टाइम ऐसा ही हुआ था जब वहाँ पर जो है इनिशियल रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट, और तब जो है फ्रांस को सबने दबाने की कोशिश की थी। अब फ्रांस जो है वो रशिया में हुए इस सोशलिस्ट अपराइजिंग को जो है बोल्शेविक अपराइजिंग को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सभी ट्रूप जो थे और जो बोल्शेविक्स थे इन सभी के बीच में एक सिविल वॉर शुरू होता है। लूटपाट, बैंडिटरी, फैमिन, अकाल, ये सब बिल्कुल कॉमन फेनोमेना हो जाता है रशिया में, ओके। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे वाइट्स, यू नो, प्रो यू कैन से जार स्टेप, उन्होंने जो है पेजेंट्स के खिलाफ जो है काफ़ी हार्श स्टेप्स लिए थे, जिन्होंने कि जमीन सीज कर लिया था, और इसकी वजह से जो है नॉन बोल्शेविक्स का जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो घटने लगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग द बोल्शेविक्स, अब जो है आप रेट्रीब्यूशन की पॉलिसी भी फॉलो कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले जमीन जिन किसानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया अब उनको जो है आप बहुत ही हार्शली पनिश कर रहे हैं। 19 जनवरी 1920 तक में जो है बोल्शेविक्स जो है उन्होंने ज़्यादातर जो फॉर्मर रशियन एम्पायर है उस पर कब्जा कर लिया था, और उनके सपोर्ट की एक जो वजह रही थी वो ये थी कि जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थी और जो मुस्लिम जदीदिस्ट थे वो इनका जो है सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर जो रशियन कॉलोनियलिस्ट थे वो खुद जहाँ पर बोल्शेविक बन गए थे वहाँ पर ये कॉपरेशन नहीं काम कर पाया। फॉर एग्जांपल खीवा जो सेंट्रल एशिया में है वहाँ पर जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे उन्होंने लोकल नेशनलिस्ट को जो है बहुत ही ब्रूटली जो है मैसेकर कर दिया, मार दिया एकदम से, और वो किस नाम पर किया कि हम सोशलिज्म की रक्षा कर रहे हैं, ओके। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो थे वो कन्फ्यूज थे कि ये बोल्शेविक्स करना क्या चाहते हैं, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टी ने इसको रेमेडी करने की, पार्टी ने इस स्थिति को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की, और यही वजह है कि जब बाद में जब सोवियत यूनियन की स्थापना की गई तो इसके अंतर्गत जो बहुत सारी नॉन रशियन जो नेशनैलिटीज़ थी उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई, उनको जो है एक सीमित स्तर पर कह सकते हो अपने आप को जो है गवर्न करने की आज़ादी दी गई बहुत सारी जो नॉन रशियन जो नेशनैलिटीज़ थी उनको। लेकिन इसके साथ ही लेकिन जो है कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज़ भी जो थी वो अटैच थी। फॉर एग्जांपल बोल्शेविक्स ने जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है, जो कि बोल्शेविक्स जो है लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे, जैसे कि नोमैडिज्म को जो है ख़त्म करना। नोमैडिज्म मतलब हो गया यायावर टाइप का लाइफ स्टाइल, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे नोमैडिक ग्रुप्स को देखा होगा जो किसी एक जगह पर सेटल नहीं होते हैं, वो सब जगह घूमते रहते हैं बड़े बड़े ग्रुप्स में बेसिकली। तो वो जो है उसने जो है इस तरह के नोमैडिज्म को जो है ख़त्म करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट्स को फोर्स किया, जो भी वो ये ऑटोनोमस रीजन्स होंगे उन सभी को जो है सोशलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, उनको जो है मॉस्को के गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यही वजह थी कि जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ को जो लुभाने की जो कोशिश थी वो जो है पार्शियली ही सक्सेसफुल रह पाई वहाँ पर, ओके। Now in source B actually you can look at, you know, like how the reaction to this Russian revolution and the later developments, how it, you know, like panned out for different groups.